भारतीय बाजार में बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री के मामले में धमाल मचा रहे हैं और हाल ही में देश की स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी बाउंस ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर इन्फिनिटी E1 को लॉन्च करा है। अब ये स्टार्टअप देश का सबसे लोकप्रिय स्टार्टअप बन गया है। बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर भी डिजाइन और फीचर्स के मामले में बाकी सेगमेंट के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की छुट्टी कर देगा, ये तो पक्का है। सच कहूं ना, मुझे तो बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक एक ही नजर में दीवाना बना गया। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। वैसे देखा जाए तो ओला S1 और ओला S1 Pro जहां देश में अब तक के सबसे चर्चित और पसंदीदा इलेक्ट्रिक स्कूटर बने हुए हैं, वहीं ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाउंस इन्फिनिटी E1 इन सभी स्कूटर्स को चुनौती दे पाएगा। ये सब सवालों का जवाब वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। बैटरी रेंज की बात करें तो बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में IP67 रेटिंग के साथ एक स्वैपेबल 2 kW और 48 वोल्ट के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। इस बैटरी पैक को रियर व्हील आधारित BLDC हब मोटर के साथ जोड़ा गया है। साथ ही बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 अलग अलग राइडिंग मोड्स के साथ उपलब्ध है, जिसमें ड्रैग, इको और पावर मोड शामिल है। बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स लिस्ट की बात करें तो इस स्कूटर का फ्रंट प्रोफाइल एक नए लुक का ध्यान आकर्षित करता है, जो कि रेट्रो स्टाइल के साथ आधुनिक एलिमेंट्स का मिश्रण है। इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, इंटीग्रेटेड LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, ब्लूटूथ के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अलॉय व्हील, LED टेल लाइट्स इस स्कूटर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देंगे। इसके अलावा बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में अंडर सीट स्टोरेज काफी बढ़ा दिया गया है। साथ ही स्कूटर में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जो कि 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ आते हैं। ब्रेकिंग के लिए 230 मिलीमीटर फ्रंट डिस्क ब्रेक और पीछे 203 मिलीमीटर हाइड्रोलिक ब्रेक दी है। माइलेज रेंज की बात करें तो बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज होने में 4 घंटे का समय लगता है और एक बार फुल चार्ज होने पर यह स्कूटर 90 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है, जो कि अपने आप में ठीक ठाक है। रही बात कीमत की तो बता दें कि बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की भारतीय बाजार में कीमत 85,099 रुपए रखी गई है। ओवरऑल देखा जाए तो बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला इलेक्ट्रिक से कीमत और फीचर्स के मामले में बेहतर है, परंतु माइलेज रेंज के मामले में ओला इलेक्ट्रिक बाउंस इन्फिनिटी E1 से काफी बेहतर है। अब आपको देखना है कि कौन सा स्कूटर लेना पसंद करेंगे। हमारा तो सजेस्ट यही रहेगा कि आप एक बार बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट ड्राइव लीजिए। मुझे लगता है आपको ये स्कूटर काफी अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।